नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होता है कि और अगर आपको क्या नाम है इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम राम कुमार है और मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि हम ऑप्शन चैन में ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ज़्यादा दिन तक बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सर्वाइव कर पाएं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट इज, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय प्रॉब्लम ये आती है कि हम दिन में एक या दो ट्रेड ही मार करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है जो विगनर होते हैं उनके लिए उनको हर समय इंडेक्स में ट्रेड ही दिखाई देते। वो भी एक गलत नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगेगा, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने का वो ट्रेड नहीं करते उससे ज़्यादा उनका ब्रोकरेज फीस पड़ जाती। तो इस तरह की ब्रोकरेज फीस से बचने के लिए हमें पहले से ही कोई प्लान, या फिर बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनियां प्लान देती हैं, प्लान के माध्यम से हमें डीमैट अकाउंट ओपन करके रखना है कि जिससे हमारा जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं बिगनर, अगर आपको तो ओवर ट्रेडिंग करते हो क्योंकि करते करते ही इंसान सीखता है। अगर आप सही से कितना भी कोई बता दे, पढ़ा दे या सुन लो, आप जब तक आप खुद से ट्रेडिंग नहीं करोगे आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम लॉन्ग चर्चा करेंगे कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाने की स्थिति में जब ही होगी जब आपका कैपिटल बचेगा, और कैपिटल ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से ज़्यादा आपका ब्रोकरेज मिलना चला जाए। इसलिए आपको ऐसा कोई प्लान दिमाग में रखना है जो जिससे क्या है कि आपका ब्रोकरेज ना पड़े। ऐसा आपको ब्रोकर चुनना है जो फ्री करता हूँ, बहुत सारी कंपनियां हैं आप देख सकते हो जिससे आप अपने ब्रोकरेज से बचो। ऊपर से आपको सेकंड स्टेप में ये है कि सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैक्सिमम क्या करना है कि आपको टाइम बाउंड कर लेना होगा कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट, एक सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि आपको ट्रेड टू टाइम्स लेना है ओनली। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मैक्सिमम टाइम जो रैली आती है वो या तो 1 बजे के बाद, 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में, और एक 9:30 से 9:15 से 11:30 बजे तक, ये जो बीच का 1.5 घंटा 2 घंटा है आप इसमें ट्रेड अवॉइड करिए। बिल्कुल आप इसमें ये समझिए लंच करने चले गए, आप बिल्कुल छुट्टी देखना ही नहीं है। फर्स्ट इज, अगर आप तीसरे नंबर पे ये है कि आप क्या करो कि अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप ट्रेड बंद ही कर दो उस दिन। यानी कि आपको मैक्सिमम टाइम अगर स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है लॉसेस से बच के, तो जैसे ही आपका फर्स्ट ट्रेड में कुछ भी प्रॉफिट हो जाए तो आप ट्रेड पूरा दिन मत, ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट डे पे छोड़ दो। अगर आपको लॉस हो जाता है तो 1-2 अटेम्प्ट और ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसा लगा के, ये नहीं कि बहुत बड़ा लॉस ले, लॉस लिमिटेड लॉस, इतना लॉस कि रात को नींद अच्छी से आ जाए। और इसके फोर्थ कंडीशन में अगर आप माइंडली कुछ स्ट्रेस हो तो उस दिन भी आप ट्रेड अवॉइड करिए। अगर दिमाग आपका स्थिर नहीं है, कोई मैटर है, कोई घरेलू मैटर है, तो उस दिन भी आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। तीसरा है कि आपको प्रॉपर सॉरी चौथा ये है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही प्रॉपर ट्रेड लेना है, बेवजह की ट्रेड नहीं मारनी है कि अभी यहाँ से नीचे जाएगी, भाई नीचे आ जाने दो तब ट्रेड ले लेना, उससे पहले ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर चला जाए तब बीच में कहीं फर्ज बेवजह की एंट्री नहीं मारनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आप प्रॉपर आपको जो लगे उसके हिसाब से ही करना। आप ये कोशिश करो
कि कम से कम लॉस लो, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करते रहना है, धीरे धीरे आपको सीखते रहना है। पर डे आपको चार्ट एनालिसिस करनी है कि चार्ट की बिहेवियर कैसी है, कैसा चलता है, क्योंकि साल भर करोगे आप तब भी ये समझ नहीं पाओगे भाई ये चलता कैसे। बस केवल आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है उसको पता होता है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी टाइमिंग आ गई, अभी रॉकेट हो जाएगा, अभी यहाँ से ट्रैप करेगी, यहाँ से ये होगा, ये एक्सपीरियंस से आएगी। रातों रात कोई नहीं सीखता भाई। अगर सोचते हो कि आप एक दिन में 3200 का ट्रेड मार दिया और एक्सपीरियंस पर्सन ने 1000 रुपये का एक क्वांटिटी पे, तो ये आपकी भूल है कि आपकी वो 3200 हो जाएंगे और नेक्स्ट डे आपका सारा सारा पूरा ब्याज में मार्केट ले लेगी वापस। मार्केट ऐसे बाहर करती है कि कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल सीरियस होके जितना आप सर्वाइव करोगे मार्केट को उतनी अच्छे से समझोगे, और जब समझ जाओगे ना तो पैसा बनने लगे। मैक्सिमम जो 90% लॉस में रहते हैं ना, वो एक महीना, दो महीना, तीन महीने में ही बाहर हो जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म का होता है, ये समझ लो कहीं से भी उसका वेल्थ क्रिएट होने लगता है, कहीं से भी वो पैसे कमाएगा, नई स्टॉक से कमाएगा, फ्यूचर ऑप्शन से कमाएगा, ऑप्शन सेलिंग से कमाएगा। जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट का वो पक्का है सक्सेस हो जाएगा, ये समझ लीजिए। नहीं ऑप्शन बाइंग से आ रहा है पैसे, वो ऑप्शन सेलिंग से पाएगा, फ्यूचर से, इक्विटी मार्केट से, इन सब से पैसे बनाने लगेगा। तो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। और लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये कि आप कुछ भी कर लो, कोई न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत, मतलब आप अपनी मर्जी से सब कुछ करो। इससे क्या होता है, आपको मार्केट में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ भी कर लो, सब कुछ आपको मार्केट के इंडेक्स चार्ट पे दिखाई देगा, ये समझ लीजिए। मार्केट आपको सब कुछ दिखाएगा कि अब ये होने वाला है, आपको समझना है कि समझ की फर्क कितनी, वो पूरा क्लियर चार्ट रीडिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझ लीजिए। कोई कैंडल स्टिक चार्ट काम नहीं करता, लेकिन चार्ट रीडिंग, चार्ट एक्सपीरियंस आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें आएंगी आपको एक्सपीरियंस के बाद, जब आप करते करते अभ्यास मत जाओ, करते करते आपको ये समझ में आने लगेगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी, इतना लगने लगेगा। आज ही का ट्रेड बता रहा हूँ मैं, मैंने 50 पे ही बाई कर लिया था कॉल साइड का, प्रीमियम चल रहा था और उसने हाई मारा 150 का, मैं 10 रुपये लेके निकला। लेकिन क्या है कि अभी मैं भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, एक 1.5 साल से मैं ये देख रहा हूँ, 1.5 साल से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ इस मार्केट में, देखते हैं आगे क्या होता है। लगभग ख़त्म, 3000 के लॉस थे, वो भी एक ही ट्रेड में ख़त्म। और बाकी ऑप्शन फ्यूचर, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर इंडेक्स और इक्विटी मार्केट से पैसे बन ही जाते हैं थोड़ी बहुत। तो पैसे बनाने के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। आप जितना दिन मार्केट में टिकोगे, मार्केट को उतनी अच्छे से समझने लगोगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सको स्टॉक मार्केट में। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बात कर रहा हूँ। आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी कुछ पूछना है मैं सब चीज़ आपको बताऊँगा, कैंडलस्टिक से लेकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़। लेकिन क्या है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।